चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सात दिवस साधु आत्म सुर, आत्मा की वीणा के साथ सुर है सारे गमा पद निशा। इन सातों सुरों को हम सात दिनों में साधते हैं और फिर नव जीवन यानी संवत्सरी नए वर्ष का आगाज होता है। ये सातवां दिवस है और सातवें दिवस में वापस सा आ जाता है, सारे गम पद नी सा। सा कहता है सब साथ साथ रहो, सब साथ साथ बढ़ो, साथ साथ चलो। जहाँ साथ है, संगठन है, जहाँ हाथ में हाथ और लोगों का परस्पर विश्वास है, वहीं इस युग के अंदर जीत संभव है। हम सबके भीतर बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुछ अपने आप को सुधारने की, व्यक्तिगत जीवन स्तर को विकसित करने की, भौतिक सुख संपदा पाने की। कुछ इच्छाएं हैं हमको सामाजिक संघ को लेकर के, समाज और समूह को लेकर के, कि हम संगठित होकर के आगे बढ़ें। जैसे कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो आज हमारी सभा में उपस्थित हुआ है, वो महिला शाखा की अध्यक्षा कहती है कि हम सारी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। अब ये जो इच्छा है ये व्यक्ति की नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा समूह के लिए है, संगठन के लिए है। जो युवा शाखा के मार्गदर्शक आए वो कह रहे हैं हम पूरे साधु साध्वियों की सेवा, व्यावच, संगठन, सुविधा और साता के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। जो बुजुर्ग शाखा के आए वो सोच रहे हैं कि हम युवाओं और महिलाओं को मार्गदर्शन देने के साथ साथ ये चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को धर्म का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता चला जाए। सबकी भावनाएं महान हैं और सबकी भावनाएं जब सबका साथ मिलेगा, सातवां दिवस साथ लेने के लिए तत्पर लोग सामने खड़े हैं, तो आओ हम सब साथ साथ आगे बढ़े। अब साथ साथ बढ़ने में क्या दिक्कतें आती है, थोड़ी सी उनकी भी तो बात कर लें, क्योंकि भावना साथ रहने की, लेकिन जब दिक्कतें आती है तो लोग पता क्या करते हैं, जैसे ही दिक्कत आती है एक एक करके लोग साथ छोड़ करके चले जाते हैं। सबसे पहले दिक्कत आती है कि सबकी सोच है, सबकी सोच अलग अलग है। मान के चलो कि इस दुनिया में सबकी सोच एक सरी की कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं। भगवान ऋषभ देव के पौत्र मरीचि, जिनको आने वाले भव में तीर्थंकर, आने वाले युगों में तीर्थंकर बनना है, वो भी भगवान ऋषभ देव की वाणी से राजी नहीं हुए। और भगवान महावीर, जो मरीचि का जीव महावीर बना, उनके अपने दामाद जमाईराज, जिनका नाम था जमाली, वो जिंदगी भर भगवान महावीर के वाणी से सहमत नहीं हो पाए। एक बार सहमत हुए, उसके बाद जब असहमत हो गए तो फिर जिंदगी भर वापस सहमत हो ही नहीं पाए। उनकी बेटी भी सहमत नहीं हुई, और हो सकता है उनकी धर्म पत्नी भी सहमत ना हुई हो, हमें क्या पता। लेकिन कितनी गजब बात है, तीर्थंकरों से उन विचार उनके अपने अनुयायियों के नहीं मिलते, उनके साधकों के नहीं मिलते, उनके परिवारजनों के नहीं मिलते, उनके शिष्यों के नहीं मिलते। गौशालक कभी महावीर को हजम नहीं कर पाया है ना। तो इस दुनिया में विचार सबके मिलेंगे ऐसा संभव नहीं है, तो क्या मिल सकता है? वैचारिक एकता संभव नहीं है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि इस दुनिया में वैचारिक एकता संभव नहीं है, किंतु भावनात्मक एकता संभव है। ध्यान देना, दोनों शब्दों में अंतर है। वैचारिक एकता संभव नहीं है, किंतु भावनात्मक एकता संभव है। वो कैसे होती है भावनात्मक एकता? देखिए, घरों के अंदर पिता का तरीका अलग होता है, पुत्र का तरीका अलग होता है। पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते, लेकिन पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के लिए भाव कैसा रखते हैं, एक दूसरे को काटने का या एक दूसरे को साथ देने का, क्या भाव रखते हैं? साथ देने का भाव रखते हैं। बस जिंदगी में यही बात हमें सीखनी है कि चाहे हम अलग अलग विचार वाले हैं, लेकिन हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहें,
हमारी भावनाएं कभी किसी को काटने वाली ना हो, कभी किसी को हटाने वाली ना हो, कभी किसी को गिराने वाली ना हो। हम बड़े आराम से कह सकें कि भैया हम आपके विचारों के साथ सहमत है या नहीं है, किंतु हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एकमत है। हम आपके साथ विचारों में सहमत है या नहीं है, लेकिन हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एक मत है। हम संघ समाज की भलाई जहां होती हो उसके लिए अपने सुखों का त्याग करने के लिए एक मत है। कह सकते हैं ना, यही बात परिवार पे लागू होती है। परिवार समाज जुड़े हुए हैं। अगर परिवार में ये चीज आ गई कि हमारे विचार ना मिले तो क्या हुआ? प्रेम विचारों से बड़ी चीज है। प्रेम विचारों से बड़ी चीज है या नहीं? हमारा जब छोटा बच्चा होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो कितना उदम बचाता है, कितनी शैतानियां करता है, तो माँ कहती है क्या कि चलो छोड़ दो, ये तो बहुत शैतानियां करता है। माँ छोड़ देती है क्या? नहीं छोड़ती ना। क्यों? क्योंकि माँ का वात्सल्य उसकी सारी शैतानियों से बड़ा है। माँ का प्रेम भाव बहुत विराट है, उदात है, वो बच्चे की हर शैतानी को पचा सकती है। ऐसे ही सम्यक दर्शनी आत्मा जो होती है, परमात्मा महावीर की वाणी उत्तराधन सूत्र में जहाँ मिलती है, वहाँ सम्यक दर्शनी के 8 लक्षण बतलाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति संकिति है तो उसमें ये 8 अंग होंगे, 8 लक्षण होंगे, जिससे पता लग जाएगा कि वो सम्यक दर्शनी है या नहीं है। उसमें एक लक्षण बताया कि उसके अंदर वात्सल्य भावना होती है, साधर्मी वात्सल्य होता है। असाधर्मी वात्सल्य का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं तुम अलग सोचते हो, हम जानते हैं तुम अलग चलते हो, हम जानते हैं तुम्हारी स्टाइल अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, तुम हमसे मैच नहीं कर सकते। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम हमसे मैच नहीं कर सकते तो कौन सा कि हम तुमसे मैच कर सकते हैं। एक भाई बोला, मैं दूसरों के लिए कहाँ तक एडजस्ट करूँ? मैंने कहा, चिंता क्यों करते हो, दूसरे भी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। एक दूसरे के लिए कोई बदलने वाला नहीं है, ना आपके लिए कोई बदलेगा ना आप औरों के लिए बदलोगे। एक ही काम करो कि इस सारी सोच को ही बदल दो कि हम बदलें या दूसरों को बदलें। इस सोच को बदल दो कि हम दूसरों को बदलें। सोच एक ही रखो कि हम टकराए नहीं, और बिना टकराए जिया जा सकता है, जिया जा सकता है या नहीं? आप बताओ, इस दुनिया में जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है, संख्या 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इतनी संख्या है कुल। इन सारी संख्याओं की आकृति कैसी है? सबका शेप एंड साइज कैसा है? सबकी आकृति कैसी है? 1 ऐसे लिखोगे, 2 ऐसे लिखोगे, 3 ऐसे लिखोगे, 4 ऐसे लिखोगे, यानी सबकी आकृति फिर भी सारा मिलके काम करती कि नहीं करती? सबकी आकृति अलग अलग है फिर भी सब मिलकर के पूरी दुनिया का व्यवहार चला देती है। तो हम सब के दिमाग अलग अलग है, मैनी माइंड मैनी हेड्स, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। सब बोलेंगे अलग अलग, सब चलेंगे अलग अलग, सब सोचेंगे अलग अलग, उसके बावजूद हम सब साथ है। क्यों? क्योंकि हमारे में साधर्मी वात्सल्य है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम भाव उन सबसे बड़ा है, और हम ये जानते हैं कि व्यक्ति केवल अपना विचार ही नहीं होता, व्यक्ति की आत्मा उसके विचारों से व्यक्त होती है, लेकिन विचार भी केवल एक तरीका है, एक स्टेप है, एक तल है। वो एक ही तल पर विचार है, लेकिन विचार से भी बड़ी चीज़ है उसकी अनुभूतियाँ। हमारे विचार से भी बड़ी चीज़ है हमारी अनुभूतियाँ है, और अनुभूतियाँ क्या है इसको समझना, दोनों में फर्क है, विचार में और अनुभूति में। अनुभूति में अलगाव आ गया, संग नहीं टिकेगा। अनुभूति में अलगाव आ गया, परिवार परिवार नहीं बना रह सकेगा, टूट जाएगा। लेकिन अनुभूति में एकता है, महसूसी में एकता है। ये ठीक ऐसी एकता है जैसे हमारे शरीर के अंदर है। हाथ अलग तरीके से चलते हैं, पैर अलग तरीके से। अभी हाथों को बोलो पैरों की तरह चले तो नहीं चलने वाला है, है ना? आँख नाक कान सबके फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन सब मिलकर के हमारी एक बॉडी बनती है। इसी तरह से जब समाज चलाना हो तो स्वीकार करना सीखना होता है। क्या सीखना होता है? स्वीकार। सा रे ग म सा, साथ साथ चलना। और साथ साथ चलने के लिए पहला गुण आएगा कि हम वैचारिक विभिन्नता को स्वीकार करते हुए भी भावनात्मक एकता से जिंदगी जीने के लिए संकल्पबद्ध है। क्यों? क्योंकि हमारी समझ इतनी विकसित हो चुकी है,
हम कोई एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा सोचे कि मैं बहुत क्षमा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं हूँ जो सबको साथ लेकर के चल रहा हूँ। बात है, कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है, अस्तित्व है ही ऐसा। अस्तित्व में सब विचित्र है और फिर भी सब एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। अगर हम साथ नहीं बन के रहते हैं, हम झगड़ा करते हैं, तो ये हमारी दुर्बलता है, हमारी नासमझी है, हमारी कमजोरी है। बाकी साथ रह के चलने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि साथ रह के चलना ही अस्तित्व का गुण है। सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, किसी की प्रकृति एक दूसरे से नहीं मिलती। मिलती है क्या? किसी की प्रकृति एक दूसरे से नहीं मिलती। सूर्य अलग प्रकृति का है, चंद्रमा अलग प्रकृति का है, नहीं है? और मंगल और शुक्र देखो, बिल्कुल ही विपरीत प्रकृतियों के हैं, और फिर भी सब आकाश में अपने अपने प्लेटफॉर्म पे साथ साथ रहते हैं। बस ऐसे ही साथ रहना सीख जाओ हम सब। अगर हम सब साथ रहना सीख जाए, स्वीकार भाव आ जाए। स्वीकार भाव आने का नाम ही क्षमा होता है। जनरली हम सारे लोग सोचते हैं क्षमा करना यानी किसी को माफ करना, है ना? हम सबके दिमाग में क्षमा करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्षमा करना यानी माफ करना। एक बात समझो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि माफ करने का मतलब क्या हुआ। अगर आप मुझे कहो मैंने आपको माफ किया, और मैं आपको कहूँ मैंने आपको माफ किया, इसका मतलब क्या हुआ? दया कर रहे हैं। और क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपराधी तो हो लेकिन मैं आपको माफ करता हूँ। माफ करने का मतलब क्या हुआ? आप मुझे कहो मैं आपको माफ करता हूँ, यानी कि मैंने गलती तो की लेकिन फिर भी आप दयालु होकर के मुझे माफ कर रहे हो। और मैं आपको कहूँ मैंने आपको माफ किया, इसका मतलब गलत तो आप बहुत हो, आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं मेरी डिसरेस्पेक्ट की। ऑल दो चलो संवत्सरी का दिन है, मैं आपको माफ कर देता हूँ। तो माफ करने का मतलब मैंने आपको गलत तो माना। और परमात्मा महावीर क्या कहते हैं? निमित्त सदा निर्दोष, व्यर्थ मत घोष, सोच सत्य प्यारे, मत बांध कर्म के भारे। वो कहते हैं कि निमित्त तो सदा निर्दोष है, आपके कोई अपराध है ही नहीं, कोई गलती नहीं है। अगर आपने कुछ दुर्व्यवहार किया भी तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो वही लौट के आया जो मैंने कभी रिकॉर्ड करके इस दुनिया में भेज दिया था। मैंने इस दुनिया में जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वही लौट करके मेरे पास आई है। हम सारे लोग एक ब्रॉडकास्ट मशीन की तरह है, जैसे आकाशवाणी में होता है, एक जगह पर आदमी बोलता है और जहाँ जहाँ रेडियो ऑन होते हैं वहाँ वहाँ पर उसकी आवाज़ ब्रॉडकास्ट हो जाती है। पूरे लोक में ऐसा ही होता है, हम सब लोग जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और जिन जिन के साथ संबंध रखता है वहाँ वहाँ तक जाएगा और फिर लौट करके वापस हमारे पास आ जाएगा। निमित्त तो निर्दोष है, हम भला किसको माफ करेंगे? हम आपको गलत मानेंगे तो माफ भी करेंगे, लेकिन हम आपको गलत माने इसी का नाम ही मिथ्या दर्शन है। हम किसी को गलत माने इसका नाम ही मिथ्या दर्शन है। यहाँ कोई गलत नहीं है। गस्सु कुमाल की स्टोरी क्या बताती है कि परमात्मा अरिष्ट ने भी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, गस्सु कुमाल को अंतिम आराधना में उस व्यक्ति ने सहायता दी। मतलब ये नहीं कहा कि जिसने उनके सिर पर अंगारे रखे उसने कोई अपराध किया, ये नहीं कहा जिसने सिर पर अंगारे रखे वो हथियारा है, उसने तेरे भाई को मार डाला। क्या बोला? उसको अंतिम आराधना में उस व्यक्ति ने सहायता दी। ठीक वैसे ही सहायता दी जैसे तुम रास्ते में आते वक्त तुमने एक बुजुर्ग आदमी को ईंटों का ढेर रखने में सहायता दी थी, जैसे तुमने सहायता दी वैसे ही उसने भी सहायता दी जिसने सिर के ऊपर अंगारे रखे। महावीर ने, अरिष्ट ने भी, भगवान ने कहा क्या कि उसने गलती करी? नहीं कहा। क्या किया? सहायता की। तो हम किसी को अपराधी माने, गलत माने, गलत मानना ही गलत है। ध्यान दीजिएगा, किसी को गलत मानना, किसी को अपराधी मानना, किसी को दोषी मानना, किसी को अपने दुखों के लिए जिम्मेदार ठहराना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और जब तक यह मिथ्या दर्शन है तब तक साथ साथ जीना, संगीतमय जीना संभव नहीं है। हम सब लोग साथ साथ रहते हैं लेकिन संगीतमय नहीं रहते। हम सबके बर्तन दिन रात बजते रहते हैं, दिमाग दिन रात एक दूसरे के लिए बारूद छोड़ते रहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, दिमाग छोड़ते हैं, जुबान तो अब हम छोड़ते नहीं क्योंकि सभ्य हो गए, लोग क्या सोचेंगे मैंने ऐसा बोल दिया। तो हम सारे लोग क्या करते हैं? दिमाग से गोलियां छोड़ते हैं, दिमाग से दूसरों के लिए द्वेष की तरंगे छोड़ते हैं, और कितना कर्म बांध लेते हैं।
दिमाग से सोच सोच करके। तो हम क्षमा करने का मतलब समझें, क्षमा करना माफ करना नहीं है। तो क्या है क्षमा करना? अभी तो आप कहोगे महाराज साहब कल तो सभी लोग करने वाले हैं खमत कामना, क्षमा याचना, और क्षमा याचना का मतलब यही होता है मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोगों को जिंदगी भर मांगने की आदत है, तो क्षमा भी मांग लेते हैं, जहाँ जाते कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो क्षमा भी मांग लेते हैं। लेकिन नहीं, क्षमा मांगने का मतलब क्या है, ये नहीं हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हम आपको माफ़ी दे रहे हैं। क्षमा का मतलब क्या है इसको समझना, क्षमा का मतलब है कि कृपया मैं जैसा हूँ आप मुझे वैसा ही स्वीकार कीजिए, और आप जैसे हैं मैं आपको वैसा ही स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे कुछ अन्यथा होने की आकांक्षा या उम्मीद नहीं करता। मैं तीन को नहीं कहता कि तू ऐसे क्यों बैठा है, तू चार की तरह क्यों नहीं बैठा। मैं पांच को नहीं कहता तू ऐसे क्यों बैठा है, तू सात की तरह क्यों नहीं बैठा। मैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तीन की भी इस प्रकृति में उतनी महत्ता है जितनी चार की, जितनी पांच की, जितनी छह की, जितनी सात की। यानी कोई आदमी कैसा भी है इस प्रकृति में वो स्वीकार है, इस अस्तित्व ने उसको स्वीकार किया है, उस अस्तित्व ने उसको वैसा होने में मदद की है। हमें क्या दिक्कत है? अगर वो अपने आप के संगीत के विपरीत चलता है तो वो कष्ट पाता है, लेकिन मैं उसके कष्ट पाने से कष्ट क्यों पाऊं और मैं उसे कष्ट क्यों दूं? मैं अपने संगीत में रहूं और किसी के संगीत को खत्म करने का निमित्त ना बनूं, इतनी तो बात है। तो क्षमा मतलब क्या? क्षमा मतलब नॉट फॉरगिवनेस। क्षमा मीन्स नॉट फॉरगिवनेस, क्षमा मीन्स नॉट सॉरी, क्षमा मीन्स टू बियर, BEAR, टू बियर, सहन करना। क्षमा मीन्स एक्सेप्टेंस, प्लीज एक्सेप्ट मी एज आई एम एंड आई एम एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। आप जैसे हो मैं आपको वैसे स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा हूँ आप मुझे वैसा स्वीकार करो। इसमें कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई छोटा नहीं हुआ। ना आप गलत हो कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, ना मैं गलत हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको यही कहता हूँ भैया मैं ऐसा हूँ और जैसा हूँ वैसा हूँ। और अगर आप सोचो कि मैं आपके जैसा हो जाऊं, तो आप जैसे 100 लोग मेरी जिंदगी में जुड़े हुए हो, तो मैं 100 लोगों के जैसा कैसे हो सकता हूं? क्योंकि 100 ही लोग चाहेंगे कि मैं उनके जैसा हो जाऊं। भाई आपके परिवार के 10 लोग आपके साथ जुड़े हुए, 10ों क्या चाहते हैं? कि आप मेरे जैसे हो जाओ, मैं जैसा चाहूं वैसे हो जाओ। तब तो पागल ही हो जाओगे, फिर होगे क्या? अगर एक रेडियो हो या एक टीवी हो, सपोज अपने घर में टीवी होती है, आप लोग देखो एक ही टीवी, एक रिमोट कंट्रोल, और रिमोट लेकर के बच्चा कहता है ये वाला चैनल, पापा कहते हैं वो वाला चैनल, मम्मी कहती है ये वाला चैनल, मेहमान आए वो कहते हैं वो वाला चैनल, वो टीवी बेचारी क्या करे? वो टीवी भी एक टाइम में सारे चैनल नहीं चला सकती है, तो हम लोग भी कैसे चला सकते हैं? और हमारे को कितने सारे रिमोटर है, कोई एक आध रिमोटर है? भवनलाल साहब तो यही बात कहते हैं, हमारा सबसे बड़ी दिक्कत श्रवण संघ में ये है कि हमारे रिमोटर्स बहुत सारे हैं, कोई एक गुरु हो तो एक जैसे चले। यहाँ इतने सारे गुरु बैठे हैं कि जिनके पास जाते हैं सब कहते हैं ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, तो आखिर हम करें तो क्या करें? तो मैं कहती हूँ भैया किसी और के कहने से मत करो, जो आपको समझ में आए वो करो, क्योंकि दूसरों के कहने से करोगे तो आखिर कब तक चलोगे? इसीलिए अपना विवेक, परमात्मा महावीर ने ये नहीं कहा कि मैं कहता हूँ वैसा करो, ध्यान देना। बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा महावीर ने कहा कि मैं करता हूँ वैसा मत करो, मैं कहता हूँ वैसा करो, लेकिन परमात्मा महावीर ने ये भी नहीं कहा कि मैं करता हूँ वैसा करो, और ये भी नहीं कहा कि मैं कहता हूँ वैसा करो। उन्होंने क्या कहा? मैं अपनी बात कहता हूँ लेकिन तुम अपना सत्य खुद खोजो, तुम्हें क्या करना है वो तुम अपना विवेक खुद लगाओ, मेरे कहने से कुछ मत करो। ऑल्दो बहुत सारे लोग वो आजकल तरह तरह की पोएम्स बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं, नारे बोलते हैं, तो वो नारे अपनी मन मर्जी से कुछ भी बना देते हैं और भगवान महावीर का नाम लगा देते हैं कि महावीर कहते हैं कि मैं करता हूँ जो मत करो, मैं कहता हूँ जो करो, लेकिन वो जानते नहीं कि महावीर तो ये तक भी नहीं कहते, वो करने की बात ही नहीं करते। वो तो कहते न करे मी न कारवे मी करण तम्पि अन्नम न समणु जाना मी, मनसा वैसा कैसा। करने की बात कहाँ आती है आपको पता है? पूरे सूत्रों के अंदर करने की बात कहाँ आती है कि समयम गोयम मा पमाय, प्रमाण मत करना, टाइम वेस्ट मत करो बस। और जितनी बातें बोलते हैं उतनी टाइम वेस्ट करते हैं, काम करने वाले अक्सर कम बोलते हैं और दिन रात बोलने वाले अक्सर कम करते हैं। इसीलिए पुराने लोग बहुत समझदार होते थे,
पुराने राजा महाराजाओं का जब हम उपन्यास पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कालिदास का लिखा हुआ अगर अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लो, तब भी एक बात समझ में आती है। वे राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि राजा दिलीप जब कार्य कर चुकता होता, जब दुनिया में रिजल्ट आता, तो लोगों को पता चलता, अच्छा राजा की ये योजना थी क्या, अच्छा राजा की ये योजना थी, ये कार्य हो चुका। और हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार पहले से ही सारी योजनाएं बता देती है, 5 साल में आपको सड़क बना के दे देंगे, आपको रेलवे ट्रैक बना के दे देंगे, आपको पुल बना के दे देंगे। जनता 5 साल तक द्वेष की तरंगे छोड़ती रहती है, अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। हम फिर कह रहे हैं समझदारी इसमें है कि कहो मत, जो आवश्यक हो, विवेक पूर्वक हो, न्याय सम्मत हो और सबके संगीत में सहायक हो, वो कार्य सबका साथ लेके कर लो। जितना बोलोगे उतना लोग आपको काटेंगे और फिर लोग और प्रश्न करेंगे, भाई साहब घोषणा तो कर रहे थे, किया क्या आपने, ठीक है ना। तो खैर, संगठन लेके चलना हो तो हमेशा बोलो कम सुनो ज़्यादा, सबके साथ रहो। क्षमा का मतलब समझना माफ़ करना नहीं, क्षमा का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। खामेमी सवे जीवा खमंतु में, इसका मतलब होता है सभी जीव मुझे सहन करे, स्वीकार करे और मैं भी सभी जीवों को सहन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वे जैसे हैं वैसे हैं, वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि किसी को गलती कहना, गलत मानना, यही मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। वो जैसा है वैसा है, निमित्त है और निमित्त सदा निर्दोष होता है। द अदर पर्सन इज ऑलवेज इनोसेंट, ऑलवेज इनरेस्पॉन्सिबल। उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी अपनी लाइफ में अपनी खुद की है। और वो क्या जिम्मेदारी कि मैंने कैसे निमित्त को चुना। अगर हमारी जिंदगी में कोई गलत व्यक्ति आता है और वो हमको गलत रास्ते पे ले जाता है, तो सवाल अपने आप से करो कि मैंने इस गलत को चुना क्यों था, किस लालच में आकर के इसको चुन लिया था। अभी हम कह रहे हैं वो आदमी गलत है, पर पहले बोलो वो आदमी तुम्हारे साथ कनेक्ट क्यों हुआ था, कनेक्ट क्यों हुआ। और प्रकृति में एक चीज सीखो, इस नए साल की शुरुआत पे, संवत्सरी जब प्रारंभ हो रही है, नया वर्ष, हम आध्यात्मिक साधकों के लिए नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो हमें एक चीज और सीखनी, हम अपनी जिंदगी में कैसे निमित्तों को चुने, हम अपनी जिंदगी में कैसे लोगों को चुने, हम अपनी दुनिया के लिए कैसे मित्रों का आह्वान करें, हमें कैसे लोग चाहिए। हर आदमी को अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छी बहू, अच्छे सामाजिक लोग पदों पे चाहिए, ठीक है ना। चुनोगे कैसे, क्या है मापदंड चुनने का, पता है हम सब लोगों के मापदंड क्या होते हैं। पैसे वाला है तो ले आओ भैया, सुंदर दिखता है तो ले आओ भैया, कितना खर्चा कर सकता है तो उसको जिंदगी में जोड़ लो। लेकिन ये सारे चुनने के तरीके जो हमारे होते हैं ना, इसी वजह से हम पछताते हैं। आप देखो, एक लड़का एक लड़की को इसलिए चुन ले कि बहुत पैसे वाले परिवार की है तो आएगी तो मेरे को बड़ी आनंद मिल जाएगा, शांति मिलेगी, नहीं भी कमाऊंगा तो ससुराल वाला सपोर्ट कर देगा, और नया बिजनेस भी लगाना होगा तो ससुराल वाले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और फिर क्या होता है, उसको जिंदगी में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, फिर वो रिवर्स बैक होता है, वापस बोलता है, और जब वापस बोलता है तो ससुराल के उसके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती, ठीक है। फिर लोग क्या कहते हैं, पहले पैसा देख करके लाया था, अपने बराबरी की लाता या कम की लाता तो कम से कम आराम की जिंदगी जीता। ये घर परिवार की स्टोरीज है, सबको पता है, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम चुनते कैसे, इस कला को सीखें, हमारा चुनाव का तरीका क्या हो, हमारा चुनाव का तरीका न केवल वक्तृत्व हो, न केवल पैसे की शक्ति हो, न केवल उसके भीतर में आ रही हुई कलात्मकता या सौंदर्य हो, या चेहरे का कोई फेस वैल्यू हो, क्या तरीका होना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं एक की बात चुनो, वो यह है गुणों को चुनो, योग्यता को चुनो, अरहत को चुनो। अरहत का मतलब क्या, योग्य। अरहत शब्द का मतलब होता है योग्य। जिंदगी में हमेशा एक बात कहो कि मैं योग्य बनूं और मेरे से जुड़े हुए वे निमित्त मेरी जिंदगी में जुड़े जो मेरी योग्यता बढ़ाने में सहायक हो, जो स्वयं योग्य हो। हमेशा योग्यता को मांगो, योग्यता को चुनो और योग्य पुरुषों का साथ करो, योग्यता बढ़ती जाएगी। और एक और काम करो कि अगर दृष्टि ऐसी बना लो कि सब जगह गुणों को ही देखे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में गुणवान लोग आएंगे। अगर हम दृष्टि ऐसी बना सके कि हम सर्वत्र गुणों को देखें,
तो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली गुणवान लोग आएंगे। और अगर हमारी दृष्टि ऐसी है कि सर्वत्र खामियों को ही देखती है, तो हम अच्छे लोगों के पास में जाकर के, यानी महावीर के पास में जाकर के भी गोशालक बन जाएंगे, गौतम नहीं बन पाएंगे। महावीर तो महावीर एक निमित्त है, लेकिन गोशालक उनमें अपनी शत्रु को देखता है और गौतम उसमें अपने भगवान को देखता है। तो फर्क किस में था? महावीर में था फर्क, था गौशालक और गौतम की दृष्टि में। संवत्सरी कहती है नई दृष्टि लाओ, क्योंकि नई दृष्टि आ गई तो पूरी सृष्टि नई हो जाएगी। तो एक काम हम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा काम है। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि मरा साहब, दुनिया में इतनी सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, क्या बता सकते हो कि सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी क्या होती है? सबसे बड़ा गुण क्या है? जो आ जाए तो सारे गुण आ जाएंगे, ऐसा गुण क्या है? सोचो। दिग्गज विद्वान लोग आज हमारी सभा में बैठे हैं। एक्सेप्टेंस, सहनशीलता, और बताएंगे? जो आ जाए तो सारे गुण आ जाएंगे हमारी लाइफ में। सकारात्मक सोच, सहनशीलता, ठीक है। चलो मैं ही बता देती हूँ, सबसे एक गुण जो आ गया तो सब सारे गुण आ जाएंगे, वो है गुणग्राही दृष्टि का होना। सब जगह गुण देखने वाली नजर आ जाए, सब सर्वत्र गुण देखो। अगर गुणग्राही दृष्टि आ गई ना, तो हमारे पास में गुणों की बारिश होने लग जाएगी, क्योंकि हम तो जहां भी जाएंगे वहां गुण देखेंगे, तो हमारे ऊपर क्या वर्षा करेंगे? गुण वर्षा करेंगे। लोग भजन गाते हैं कि बरसा दाता सुख बरसा, वो सुख कैसे बरसेंगे? गुणग्राही दृष्टि हो गई तो सर्वत्र सुख बरसेंगे, और दोषदर्शी हैं हम तो कहीं चले जाए परमात्मा के समक्ष में भी पहुंच जाए, तब भी गौशालक बन जाएंगे, गौतम नहीं। केवल एक बात सीखो, केवल एक बात अपने साथ में उतार लो कि गुणग्राही दृष्टि रखनी है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर समय में, हर एक निमित्त में गुण देखना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस आ जाएगी। दोष देखा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, गुण देखा तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो इसीलिए कहा क्षमा, 10 धर्मों में पहला धर्म है क्षमा धर्म। और ये क्षमा धर्म क्या कहता है? एक्सेप्ट एवरीवन, सबको एक्सेप्ट करो, सबको स्वीकार करो। कब स्वीकार करोगे? जब सब में गुण देख सकोगे। कमी देखते ही असहनशीलता आ जाती है, दोष देखते ही हमारे भीतर उत्तेजना आती है, और अगर गुण देख लिया तो उत्तेजना खत्म। अब देखो गुण कैसे देखना, बस वो चीज़ सीख लो कि हमें हर जगह गुण ही देखूं, बात भी करूं तो गुणों की ही चर्चा करूं, और कान भी दूं, कहीं सुनने बैठूं तो किसी के गुणों की तारीफ सुनने के लिए ही बैठूं, किसी के दोषों की चर्चा हो रही हो वहाँ अपना कान भी नहीं कर दूं, वहाँ कान भी मत देना जहाँ दोषों की चर्चा हो रही है, क्योंकि कान भी दे दिया तो परमात्मा कहते हैं अनुमोदना हो जाएगी, और अनुमोदना हो गई तो वे सारे दोष जिसकी चर्चा कोई और कर रहे थे ना, आप बिना किसी पैसा दिए उधार में ही, मुफ्त में ही उन सारे दोषों को अपने साथ ले आए, और वे दोष अब आपकी ज़िंदगी के अंदर फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि बीज तो आप ले आए साथ में, बाकी के दोष तो खुद ही फल जाया करेंगे, है ना। और दोष ऐसी खरपतवार है जिनको बढ़ने के लिए खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, वे बाकी दूसरी जगहों को जो खाद पानी मिलता है वहीं से लेकर के बढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी दोष की तरफ कान भी मत देना। एक ही बात सीखना जिंदगी के अंदर, मैं जिससे भी मिलूंगा उसके गुण देखूंगा, बात करूंगा तो गुणों की चर्चा करूंगा, और कान दूंगा तो गुणों को सुनने के लिए कान दूंगा, दोषों को नहीं। तो साथ साथ आगे बढ़ना है, स्वीकार भाव आए, वैचारिक भिन्नता होने पर भी भावनात्मक एकता हो जाए, और हम एक दूसरे को स्वीकार कर पाए, वही नाम क्षमा है। क्षमा दूसरे को बदलने की बात नहीं करती, क्षमा दूसरे को अपराधी साबित करने की बात नहीं करती, क्षमा किसी को माफ़ करके एक माफ़ी दान करने वाला मैं एक दाता बनूं ऐसा दंभ भी पैदा नहीं करवाती। क्षमा का मतलब इतना है
जैसे आप हो शिकार हो, मैं आपको जैसा हो वैसा सहन करता हूँ, कृपया आप भी मुझे वैसा ही सहन कर लो। प्रभु मैं करूँ सबको सहन, सब जीव भी मुझे को सहे। प्रभु मैं करूँ सबको सहन, सब जीव भी मुझे को सहे। ये लोक के सब भूत गण गण वैर ना कोई लहे। श्रम और गुणग्राह्यता, ये दो सद्गुण आ गए तो हमारे जीवन में एक नई भोर, नया सूर्य उदित होगा। वो नया सूर्य हम सबकी ज़िंदगी में उदित हो, यही मंगल भावना, यही शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति।